दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश पुलिस को हिजब उत तहरीर जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सेंट्रल एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर 16 युवाओं को हिरासत में लिया है, कस्टडी में लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस के आतंकरोधी दस्ते यानी ATS ने सेंट्रल खुफिया एजेंसी यानी IB के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए 16 लोगों को हिरासत में लिया है। यह लोग कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधित संगठन हिजब उत तहरीर HUT से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही हैदराबाद से भी 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकृत जानकारी के अनुसार भोपाल गैस पीड़ितों के संगठन से जुड़े कुख्यात सामाजिक कार्यकर्ता के बेटे मोहम्मद वसीम को भी हिरासत में लिया गया है। वह एक NGO के लिए काम कर रहा था। 3 महीने से संदिग्धों पर ATS की टीम और IB की टीम नजर रख रही थी। मंगलवार सुबह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, यानी आज इस ऑपरेशन को सुबह सुबह अंजाम दिया गया। इस दौरान भड़काने वाली सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, 1 दर्जन से अधिक सेलफोन जब्त किए गए हैं। भोपाल के ऐशबाग इलाके में बाग उमराव दूल्हा, जवाहर कॉलोनी में बाग फरहत अफजा में छापे मारे गए। जिन्हें हिरासत में लिया गया उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। उसके आधार पर पता लगेगा कि यह लोग इस प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं या किस तरीके की गतिविधि में शामिल रहे हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के अनुसार HUT 50 से अधिक देशों में सक्रिय है। इसका मुख्यालय लंदन में है और इस संगठन के पास एक अलग आर्म विंग भी है, यानी हथियारों से लैस विंग है, जो अपने सैनिकों को केमिकल, बैक्टीरियल और बायोलॉजिकल युद्ध में ट्रेन कर रही है। ज्यादातर एजेंसियों की निगरानी से बचकर भी यह संगठन तेजी से फैला है। खास बात यह है कि भारत में 2010 के बाद से इस संगठन की कोई घोषित गतिविधि सामने नहीं आई है। आपको बता दें, दिल्ली बाटला एनकाउंटर मामले में भी इससे जुड़े जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने इनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो इस विंग से जुड़े होने की चर्चा चल रही है। बाटला एनकाउंटर की बात करें तो सिमी से उसका सीधा कनेक्शन था। बाटला एनकाउंटर के बाद सिमी की गतिविधि बहुत कम हो गई थी और वो संगठन एक्सपोज हो गया था। उसके पश्चात बहुत सारे सिमी के लोग PFI मर्ज हो गए। हालांकि निमाड़ और मालवा में कहा जाता है कि सिमी के संगठन से जुड़े हुए स्लीपर सेल की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक थी। वो जो स्लीपर सेल हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन उनको कोई कमांड नहीं मिल रही। एजेंसियों के लगातार खंडवा में एक्टिव होने के चलते, क्योंकि आपको ध्यान है कि पास्ट में यहाँ पर कई सिमी से जुड़ी कार्रवाई हो चुकी है और यहाँ के बहुत से लोगों को पकड़ा जा चुका है, कुछ का एनकाउंटर भी हुआ था, जिसके चलते पूरे देश की एजेंसियों की नज़र खंडवा पर रहती है। इसलिए जो आतंकवादी संगठन हैं उन्होंने खंडवा को कई लेयर नीचे यानी कई परत नीचे रखा है कि बाद में इस संगठन का उपयोग करेंगे। बहरहाल एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर आने वाले समय में निमाड़ में भी इस संगठन से लोगों के जुड़े होने की संभावना है और एजेंसी उनके उठावने कर सकती है। दांत आपके चेहरे का मोती है, इनका ख्याल रखिए। अब किसी भी प्रकार की दांतों की समस्या के लिए डॉक्टर दिनेश गुजर है ना, तो टेंशन किस बात की। गुजर डेंटल क्लिनिक मानसिंह ऑयल मिल के सामने, पंधाना रोड, खंडवा। मोबाइल नंबर 9826561765 और 9131858900।